बार चिंडू अपने दादाजी के साथ पर आता है तभी दादाजी एक संदूक से एक छड़ी निकालते हैं और संदूक को अच्छे से फिट कर देते हैं। तभी ये दादाजी एक फूंक मारते हैं जिससे एक बड़ा सा बादल बनता है। दादाजी चिंटू को फूंक मारने के लिए कहते हैं लेकिन चिंटू तो बहुत ही छोटा बादल बनता है। दादाजी चिंटू को बताते हैं कि इस तरह से फूंक मारो। चिंटू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बड़ा सा बादल बनाना होता है। चिंटू फूंक मारने के चक्कर में ये छड़ी को भी गिरा देता है और छड़ी गिरने की वजह से छड़ी टूट जाता है और उसका नक्शा भी बदल जाता है जिससे दादाजी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन चिंटू बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और इस छड़ी को एक स्टार वाली डिजाइन दे देता है और ये जब दादाजी फूंक मारते हैं तो एक स्टार वाला बादल निकलता है जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गजब गजब डिजाइन के बादल निकालते हैं। आपकी बोन कमेंट कितने परसेंट है कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।